नमस्कार, मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये बहुत स्पेसिफिक है कलाकारों के लिए, संगीतकारों के लिए जो गायक बनना चाहते हैं, म्यूजिक कंपोज करना चाहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं या संगीत क्षेत्र में अपना कुछ नाम रोशन करना चाहते हैं। यह हो सकता है कि अपने संतुष्टि के लिए गाना चाहते हैं। गाना चाहना, गाने की चाहत रखना और गा पाना और नजरों में आना, प्रसिद्धि पाना, मान सम्मान पाना, ये अलग अलग बातें हैं। ऐसे कई कलाकार हैं जो कि संगीत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि खूब समझा पाते हैं लेकिन उन्हें ख्याति नहीं मिलती, फेमस नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग गाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, परिश्रम भी बहुत करते हैं, घंटों रियाज भी करते हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आता। तो इसमें यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की एनालिसिस करें, इस प्रकार से चार्ट, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसकी चार्ट की एनालिसिस हम करें तो हमें बहुत कुछ समझ में आ सकता है। यदि किसी का चार्ट हम देखें तो जैसे ये है पहला वाला घर, ये पहले वाले घर में पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी प्रोग्रामिंग कैसी है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग गायक बनने के लिए, म्यूजिक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लायक है तो ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि मैं फिजिकली स्ट्रांग नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एवरेस्ट चढ़ जाऊँ तो ये एक कपोल कल्पित बातें होंगी, ये मेरा ड्रीम हो सकता है। लोग कहते हैं कि भाई ऊंची सोच रखो लेकिन अपने क्षमता को भी देखना चाहिए, अपना स्ट्रेंथ को और हमारी जो पैदा होने के साथ में जो शक्तियां हैं उसका भी आकलन करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या उसमें मुझमें वो टैलेंट है भी कि नहीं। यदि नहीं है, एकदम ही नहीं है, जैसे आपने बहुत लोग देखे होंगे जिन्हें ताल का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, सुर के बारे में जितना भी बताओ कुछ समझ नहीं पाते हैं लेकिन मन में कोई इच्छा हो गई कि प्रोग्राम देख लिए कभी बहुत मान सम्मान मिलता है, गाने की कोशिश करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं, दो चार महीना सीखते हैं उसके बाद चलते बनते हैं। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि पहला भाव में मतलब आपका लगन का हिसाब किताब देखना पड़ता है कि किस लगन में आप पैदा हुए, क्या ये कारक है, क्या आपको मदद कर सकता है कि नहीं। दूसरी बात, हमको ये देखना होता है कि ये जो सेकंड हाउस है, ये सेकंड हाउस जो है ये होती है अपनी वाणी के लिए, स्पीच। देखिए, मैं केवल उन्हीं घरों के बारे में, हाउस के बारे में बात करूँगा जो कि म्यूजिशियंस के लिए जरूरी है। मैं पारिवारिक जीवन, धन संपत्ति, गाड़ी मोटर, मान सम्मान, शादी कैसे चल रहा है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं केवल आपकी पोटेंशियलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि गायक होने की पोटेंशियलिटी कितनी है, लेकिन बाधाएं क्या हैं, क्या हो सकती हैं और बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दूसरे हाउस, सेकंड हाउस को देखते हैं कि स्पीच कैसी आती है। फिर हम देखेंगे अपनी थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में ये देखेंगे कि आपकी जो समझ है, एक्सप्रेस करने वाली बात है, वो किस प्रकार से आप एक्सप्रेस कर पाते हैं। चौथे हाउस में देखेंगे कि भाई आपकी प्रोग्रामिंग, इमोशनल प्रोग्रामिंग कैसी है, ईक्यू कैसी है, आईक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात नहीं कर, इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, क्योंकि गाना तो भाव प्रधान होता है, खाली टेक्निकल गाना गाने से आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है कि हम
गाने इस प्रकार से गाएं कि उसमें भाव एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को, तभी हो पाएगा। तो ये चौथा है उसको हम देखेंगे, तो इसमें भाव के बारे में, इमोशंस आप कैसे किस प्रकार से प्रकट कर पाते हैं, आप कितने संवेदनशील आप हैं, ये चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस को देखना पड़ेगा, क्रिएटिविटी। कुछ तो ऐसे किताबी ज्ञान से चलता रहते हैं जिंदगी भर कि बस उसी में ही अटके रहते हैं। किताब में लिखा हुआ है कि भाई इस प्रकार से रियाज करो, सारे घर गमा गमा पर बस उसी में लगे रहेंगे और जिंदगी भर वही करते रहते हैं, 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा फिर रियाज करते हैं, सोचते नहीं है। आपने देखा होगा पंडित संजय पटकी जी के वीडियो वगैरह, मैंने भी देखा, जैसे वो एक अलग सोच लेके बात करते हैं, एक अलग क्रिएटिव थिंकिंग के साथ में आपके सामने आए हुए हैं, जो कि आपको अलग ढंग से सिखाते हैं और बताते हैं। बोलते हैं कि क्रिएटिव माइंड को तैयार करो, सोचो इसके बारे में, केवल जो बताया गया है उसके पीछे मत पड़ जाओ, सोचो किस प्रकार से आपको करना है चीज़ों को। तो ये सोचने की बातें हैं इसमें। उसके बाद में देखा जाए कि आपका सप्तम भाव, जैसे ये आपका सप्तम भाव है, हमने पहले डिस्कस किया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसके बाद सेवेंथ हाउस, सिक्स हाउस हाउस और डिजीज है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, सेवेंथ हाउस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखिए कि संबंध, लोगों से कैसे संबंध होता है इस घर से, ये भी समझ में आता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है म्यूजिशियंस के लिए, ये संबंधों के बारे में होता है। अभी हम चलते हैं नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस, ये आपकी किस्मत है। मतलब हो सकता है कि आप में बहुत टैलेंट हो, आप बहुत कुछ जानते हैं म्यूजिक के बारे में, लेकिन किस्मत साथ नहीं देता, मान सम्मान नहीं मिलता, अच्छे लोगों से आपका संबंध जुड़ नहीं पाता, तो कैसे करेंगे आप उसके लिए? ये हाउस का स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। परिश्रम तो करते हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं है तो क्या करें। फिर हमारा हो गया टेंथ हाउस। टेंथ हाउस में देखा जाता है कि भी आपको काम प्रोफेशन के बारे में है, यदि आप संगीतकार बनना चाहते हैं, म्यूजिक में आपका करियर बनाना चाहते हैं, तो ये घर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि कितना आपको सक्सेसफुल मिलेगा। मान सम्मान समृद्धि की बातें भी इसी घर से होती हैं, तो इस घर को भी दिखना बहुत जरूरी है। मैं अगले वीडियो में हमारे प्रिय गुरुजी जो हैं पंडित संजय पटकी, उनकी कुंडली के बारे में आपको बताऊंगा। आप विद्यार्थी हैं, सीखते हैं उनसे, तो उनकी कुंडली के बारे में भी आप जानेंगे तो अच्छा लगेगा, समझेंगे, एज अ रेफरेंस हम रोड टेक उनकी कुंडली को। फिर हम देखेंगे इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस पे इनकम कहाँ से आएगा, तो इलेवेंथ हाउस में भी कौन सा ग्रह बैठने से किस प्रकार से फायदा होता है, या हमारे म्यूजिक के क्षेत्र में हमें फायदा होगा या सक्सेस मिलेगा, इस हाउस से भी हमको पता चलेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के लगन एसेंडेंट कारक होते हैं, मददगार साबित होते हैं, वो पैदा ही आप होते हैं लेके म्यूजिक को, तो कौन कौन से ऐसे होते हैं लग्न राशि जो कि बहुत फायदेमंद होते हैं, और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें संगीत क्षेत्र में अग्रणी बना सकते हैं, हमें सीखने में मदद कर सकते हैं, हमको म्यूजिक कंपोज करने में, गाना गाने में, म्यूजिक डायरेक्ट करने में, या इसको व्यवसाय के रूप में लेने में मदद कर सकते हैं। इन ग्रहों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और जैसा मैंने बताया हमारे प्रिय गुरुजी पंडित संजय पटकी का चार्ट की एनालिसिस उसी वीडियो में, अगले वीडियो में करने वाला हूं। तो इंतजार करें, मैं अमित कुमार संतोष शर्मा